तो दोस्तों फाइनली वापस आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 गेमिंग हेडफोन अंडर 500 रुपीज़ के बारे में। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि एक हेडफोन परचेस करना चाहते हो लेकिन जो आपका बजट है वो है केवल 500 रुपये। अब दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि क्या हम 500 रुपये में कोई ऐसा हेडफोन परचेस कर सकते हैं जो कि हमें एक बेहतरीन लेवल की गेमिंग और साथ ही एक अच्छे लेवल का साउंड प्रोवाइड करा दें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 5 हेडफोन बताऊंगा जो कि आपको अमेजोन पर इजिली मिलते हैं 500 रुपये में। एंड सभी हेडफोन की परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके हेडफोन परचेस कर सकते हो जो हेडफोन आपको पसंद आता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट करो, ऑल पे लगाओ ताकि आप ऐसी वीडियो देख पाओ हमेशा। तो जिससे पहले मैं अपने 5वें हेडफोन के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने किसी भी हेडफोन को किसी भी नंबर पे नहीं रखा है, सभी हेडफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं अपने 5वें हेडफोन के बारे में। तो जो हमारा 5वां हेडफोन है वो आपका आता है टेक्टोनिया की तरफ से XW450 वाइड ओवर ईयर हेडफोन। अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन के बारे में तो कंपनी जो इसमें आपको बिल्ड देती है वो आपका एक पूरा फुल प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन कंपनी ने जो इसका प्राइस रखा है वो है आपका केवल 249 रुपीस प्लस आपके 70 रुपीस आपको इसमें डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है। मतलब कि ये हेडफोन आपको कुछ 310 रुपए का आसानी से मिल जाता है अमेजोन के ऊपर। अगर मैं बात करूँ कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो कंपनी इसमें आपको 40mm के ड्राइवर देती है जो कि बहुत ही लाउड और बहुत अच्छे बेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही कंपनी आपको 1.2 मीटर की एक बहुत लंबी केबल देती है जिसकी मदद से आप इसमें लैपटॉप या मोबाइल फोन से कानों तक अपने ईयरफोन को बड़े आसानी से पहन सकते हो। बिलीव मी कि जो हेडफोन है ना, इतने अच्छे हेडफोन है कि आपको बहुत तगड़े लेवल की गेमिंग करा सकते हैं। साथ ही जो इनका साउंड है वो इनके प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छा ऑफर करती है। साथ ही कंपनी का जो इसने आपको लुक प्रोवाइड कराया है, लुक कहीं से भी देखने में आपको चीप नहीं लगता कि आप बहुत चीप हेडफोन यूज़ कर रहे हो, जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने अमेजोन प्राइम की मेम्बरशिप ले रखी है तो ये आपको केवल 249 रुपीज़ का पड़ जाएगा क्योंकि आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। तो आप इस हेडफोन को परचेज कर सकते हो कि अगर मान लो आपका बजट केवल 300 रुपये तो आप इस हेडफोन को बड़े आसानी से परचेज कर सकते हो। चलिए एंड में आपको एक बार बताना भूल गया था जो कि थी इन हेडफोन की रेटिंग। एंड अगर मैं इनकी रेटिंग के बारे में बात करूँ तो बता दूँ इनको अमेजोन के ऊपर मिली है 5 out of 3 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी होती है एक सस्ते हेडफोन के लिए। इस बात को मैं बताना भूल गया था इसलिए मैं इसको वीडियो के बाद में ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानना कि मैंने इस बात को क्यों अलग से बताया। चलिए बात करते हैं आज के 4th हेडफोन के बारे में। एंड जो हमारा 4th हेडफोन है वो आपका आता है SH12 की तरफ से ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन। अगर मैं इन हेडफोन के बारे में बात करूँ तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये आपका एक ब्लूटूथ हेडफोन है। बनी सी बात है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि गेमिंग के लिए तो हेडफोन चाहते हैं लेकिन उन्हें एक ऐसा हेडफोन भी चाहिए जिसका वो थोड़ा सा शो ऑफ कर सकें, या फिर जैसे आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो आपको पता है कि जो वायर हेडफोन होते हैं आप उनको पहन के ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते हो क्योंकि जो उनकी वायर है वो आपको कहीं ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। तो ये हेडफोन बेसिकली उन लोगों के लिए है। साथ ही अगर मैं इनके प्राइस के बारे में बात करूँ तो बता दूँ ये आपको बड़े आसानी से 400 से 500 रुपए के बीच मिल जाते हैं अमेजोन के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी रेटिंग की तो बता दूँ इन्हें अमेजोन के ऊपर मिली है 5 out of 3.5 की रेटिंग। साथ ही कंपनी आपको इनमें 40mm के ड्राइवर ही प्रोवाइड कराती है। साथ ही और बता दूँ कि मैं इन हेडफोन को पर्सनली भी यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है तो मैं बता दूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। साथ ही एक बात और कि अगर आप इसका गेमिंग करना चाहते हो तो आपको एक अलग से ऑक्स केबल लेनी पड़ेगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आप परचेस कर सकते हो। वो आपको बड़े आराम से 30 रुपये से 50 रुपये के बीच मिल जाएगी ऑनलाइन, और अगर आप उसे ऑफलाइन लोगे ऑक्स केबल को तो वो बड़े आराम से आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। ओवरऑल इन हेडफोन के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी कमाल के हेडफोन है जो कि आपको कंपनी 400 से 500 रुपए में देती है। एंड अगर आप एक ऐसा हेडफोन चाहते हो जो कि ब्लूटूथ हेडफोन हो तो आपको ज़रूर से एक बार जाके इस हेडफोन जाके चेक करना चाहिए। साथ ही अगर अच्छा लगता है तो परचेस भी आप इसको कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने 3rd हेडफोन की। चलिए बात करते हैं आज के 3rd हेडफोन के बारे में। एंड जो हमारा 3rd हेडफोन है वो आपका आता है ADCOM की तरफ से जूनियर ऑन ईयर हेडफोन। अगर मैं इन हेडफोन के बारे में बात करूं तो जो कंपनी आपको इस पर लुक प्रोवाइड कराती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। एंड अगर मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात करूँ तो बता दूँ इसे अमेजोन के ऊपर मिली है 5 out of 3 की रेटिंग।
साथ ही जो इसका प्राइस है वो है आपका 599, मतलब कुछ 600 रुपए में आपको ये हेडफोन मिल जाता है। मानता हूँ कि ये आपको 100 रुपए महंगा मिलता है, लेकिन जो इसका लुक है वो एक अलग ही लेवल का। साथ ही कंपनी आपके साथ 40mm के आपको एक बहुत ही शार्प ड्राइवर देती है, जो कि भाई बहुत ही कमाल के हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन हेडफोन के बारे में, तो इन हेडफोन को भी आप लोग परचेस कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट एक बात और कि अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि इनकी जो केबल लेंथ का साइज़ कितना है, मैं बताऊं तो मुझे पर्सनली नहीं पता, क्योंकि कंपनी ने उस चीज़ को कहीं भी मेंशन नहीं किया अपने पूरी भी स्पेसिफिकेशन के अंदर। उस बात के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बिलीव मी जो इन हेडफोन का जो लुक है वो आई थिंक बेस्ट लुक है हमारा, जो हमारे हेडफोन 500 से 600 रुपए के बीच आते हैं। तो आप इन हेडफोन पर जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आज के दूसरे हेडफोन के बारे में, तो वो हमारा आता है क्वांटम की तरफ से। क्वांटम ब्रांड को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। एंड अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, उससे पहले अगर मैं बताऊं इसका मॉडल नंबर, तो जो इसका मॉडल नंबर है वो है आपका QHM888। अगर मैं इसके बारे में आपको पहले मैं फैक्ट बता देता हूँ कि जिस समय आप इसे अमेजोन से ऑर्डर करोगे, तो एक बात जान लो कि कोई कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सा मिलेगा इसके, क्योंकि आपके दो टाइप के वर्जन आते हैं। पहला वर्जन आता है जिसमें कंपनी आपको 3.5mm का सिंगल जैक देती है, उसमें आपको माइक नहीं मिलता है। और जो इसका दूसरा वर्जन आता है वो आपका आता है डुअल पिन, जिसमें कंपनी आपको माइक भी देती है। अब चलिए मैं इसको आपको कुछ स्पेक्स बता दूं, तो कंपनी इसमें आपको 2.2 मीटर की लंबी केबल देती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ ही इसमें आपको 30mm के ड्राइवर दिए जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी अगर Amazon रेटिंग के बारे में, तो इसे Amazon की ओर मिली है 5 out of 3.5 की रेटिंग। एक बात और बता दूँ कि मैंने इन्हें पर्सनली यूज़ किया है कुछ 2 साल, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था इनके साथ वो बहुत ही प्यारा था। एंड बता दूँ इसमें कंपनी है वो गोल्ड प्लेटेड 3.5mm जैक देती है, मतलब कि एक अच्छी बात जहाँ हो जाती है। साथ ही इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी दी जाती है। इसके प्राइस की अगर बात करूँ तो बता दूँ जी आपको अमेजोन के मिलता है कुछ 340 रुपीज़ का, आप इसको भी परचेस कर सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो आपको और भी हेडफोन बताए हैं वो आपके इससे मच बेटर। लेकिन अब अगर कोई बंदा ऐसा जो कि एडिटिंग भी करता है, उसके लिए ये काफ़ी कमाल के हो जाते हैं। साथ ही ये आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाते हैं। इनकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, मुझे पर्सनली बताऊं तो काफ़ी पसंद भी है, लेकिन मुझे अब उतने अच्छे नहीं लगते ये हेडफोन, क्योंकि इससे बेटर हेडफोन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे बीस्ट की तरफ, और जो हमारा बीस्ट हेडफोन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा पहले नंबर पे है। बात करें आज के पहले हेडफोन के बारे में, एंड जो हमारा हेडफोन है पहले नंबर पे वो है आपका स्केच फैब की तरफ से आने वाला स्केच फैब एक्स्ट्रा बेस 2.2 ऑन ईयर हेडफोन। अगर मैं इन हेडफोन के बारे में बात करूं, तो बता दूं जी आपको अमेजोन के बड़े आसानी से 500 रुपये में मिल जाते हैं, और साथ ही आपको इनमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं देना पड़ते हैं। इनको अमेजोन के मिली है 5 out of 3 की रेटिंग, जो कि बहुत कमाल की बात है। अगर मैं बात करूं इसके कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो कंपनी इसमें आपको देती है 1.2 मीटर की एक लंबी केबल, साथ ही कंपनी इसमें आपको 30mm के ड्राइवर भी प्रोवाइड करा देती है, जो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने आपको जितने भी हेडफोन बताए हैं सभी में कंपनी आपको कुशन प्रोवाइड कराती है, जो कि आपके ईयर कप्स में जो कुशन लगते हैं वो आपको सभी हेडफोन में मिलते हैं, इंक्लूडेड इसमें भी मिलते हैं। बट इस हेडफोन में कंपनी आपको मल्टीपल कलर देती है, लाइक आपको इसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू तक मिल जाता है। एंड आपको जिस कलर में भी इसको परचेस करना हो, मैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो कलर का परचेस करना हो आप उसको परचेस कर सकते हो। एंड अगर मैं इसके बिल्ड के बारे में बात करूँ, तो बता दूँ ये आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड में, लेकिन ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, साथ ही काफ़ी शाइनी भी लगता है। ये मुझे गेमिंग प्लस म्यूजिक दोनों के लिए बड़े प्यारे लगे। आपका भाई फेवरेट हेडफोन कौन सा था वो मुझे कमेंट करके बताना, साथ ही ये बताओ कि इस वक्त आप किस हेडफोन का यूज़ कर रहे हो। बाकी सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आगे परचेस कर सकते हो। एक बात और, आप किन किन हेडफोन का रिव्यू देखना चाहते हो चैनल के ऊपर, वो भी कमेंट करके बता देना। तो मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।